ये पिता माता के हृदय इतने महान है, इतने महान है, भले बच्चे कितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, मेरा बेटा ये मेरी बेटी है, भले ही बेटा बेटी भले गाली देते रहे, लेकिन इनके हृदय में बच्चे का प्रति स्वाभाविक स्नेह है। देखो एक समय कोई एक प्रेमिका अपना प्रेमिको को बोले, बोले दे तभी मैं तेरे को प्रेम करूंगी अगर तू अपना मैया को मार करके अगर 3 लाख करके मेरे को दे दे। उसने अपना प्रेमिका की पागल में पागल हो गया, प्रेमिका की बोले अभी अभी मैया को मार करके 3 ले आता हूँ, और गया अपना मैया को मार करना और उसको 3 को लेकर के आ रहा था, इतने में उसने ठोकर कहा करके गिर पड़ा, मैया का दिल से आवाज आ रही है, बोले बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगती, बोले हृदय से आवाज आती है। यहाँ शिक्षा देती है हमें पिता माता को जरूर हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में एक बहू आ गई, कान में जिंदगी भर जिस मैया ने इतने सेवा किया बच्चों की, घर में एक बहू आ गई, बहू की बात सुनकर पिता माता को छोड़ दी। बोले एक समय, देखो एक साधु कथा सुना दे, बोले एक समय क्या हुआ, जब घर में बहू आ गई, अभी 3 रात झगड़ा, वो बहू जी कहती है, बोले देखो पति को तुम्हारी पिता माता को साथ में रह नहीं सकता, तुम अलग कहीं रहो नहीं तो तुम्हारे साथ में रह ही नहीं सकती, अलग नहीं कर। इतने में वो बच्चा ने अपना पत्नी की बात सुन करके अपना पिता माता के पास में गए, अपना मैया को बोले देख माता जी मेरी पत्नी कहती है आपके साथ में रह नहीं सकती है, हम सोचते हैं और कहीं हम जाकर रहे, इसलिए देखो तुम लोगों ने मेरे को जन्म दिया ना, लिखाया पढ़ाया बड़ा किया। बोले हाँ, बोले जितना तुम्हारा पैसा तुमने लगाया हिसाब कर दो, वो पैसा मैं तेरे को दे दे, आप पैसा लेकर दूसरी जगह पर जाओ अपना अपना रहो खुश। मैया ने कहा देखो मैं तो अनपढ़ हूँ, अभी इसको हिसाब लगाने के लिए इतना समय लगेगा ना, मेरे को समय दो। बोले कोई बात नहीं 1 महीना देता हूँ। उसकी पत्नी घुसा करके चली गई, अपना पीहर चली गई, बोले तो मैं तो जा रही हूँ, जब तुम अलग हो तब तो मैं आऊंगा। इतने में उसकी बेटा ने बोला माता जी कब बोलोगे, बोले मैं 1 महीना में बोलूंगा। बोले कोई बात नहीं अपने हिसाब करके बोल देना। एकदम ठंडी का अभी जैसे ठंडा पड़ रहा है ना, ठंडा का मौसम था। इतने में बेटा सो रहा था तो मैया ने किया कि एक लोटे में पानी लेकर के जो बेटा सो रहा था बिस्तरा में, हाँ एक तरफ पर पानी लोटे से गिरा दी तो देखा गीला हो गया। इतने में अपना करवट लेकर के दूसरे तरफ पे सोया। इतने में मैया ने दूसरे तरफ में भी लोटा पानी दी डाल दिया, तो इतने में बेटा आँख ही खुल गई। बोले भैया क्या कर रहे हो, ठंडा का समय में तो पानी क्यों डाल रहे हो। बोले मैं तुमने बताया ना, मैंने तुमको बचपन से गर्भ से लेकर के अभी तक मैं जो तुमने जो सेवा की उसको हिसाब कराने के लिए मैं 1 रात का हिसाब तेरे को मैं दिखा रहा हूँ। तू जो बच्चा जन्म लिया ना, जब तू पेशाब टाटी पेशाब करता था, मैं तेरे को सूखा में सुला करके मैं गीला में सूखी थी। 1 दिन नहीं, कितने दिन तक तुमने पेशाब टाटी किए हो, हमने गिल्ली में सो करके तेरे को सूखा में सुलाया करते, और गर्भ में तेरे को मैंने जो धारण किया तुम सोच भी नहीं सकते, जो प्रसव पीड़ा मैंने की है तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने कितने कष्ट करके प्रसव पीड़ा सहन की, मुंह की खाना निकाल करके तेरे को खिलाई, और तू आज बोल रहे हो मेरे को जन्म से अभी तक तो हिसाब दो। बेटा तुम 1 दिन का हिसाब भी नहीं दे सकते हो। फिर बेटा का आँख खुल गई, फिर तो मैया को चरण में उसने गिर पड़ी, मैया की चरण में उसने गिर पड़ी। इसलिए हम लोग सब के सब पिता माता के चरण में ऋणी है। इसलिए हम जैसे अपना सास ससुर की सेवा करेंगे ना, हम भी तो कभी ऐसे सास ससुर बनेंगे, पर वो भी हमारी जैसे सेवा करेंगे। इसलिए हमारी कर्तव्य है पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं करे नहीं करे तभी करता है, ये कौन है, ये पिता माता की। ऐसे एक व्यक्ति करे नहीं करे तभी पिता माता उनको सेवा करते हैं। बोले तीसरा तरह से, बोले करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं, बोले वो 4 तरह के होते हैं, आत्माराम, आपका काम, गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण तू तो आत्माराम आपका काम है ही, क्योंकि हमारी बगल तुम्हारा चलता ही तुम्हारा चलता नहीं लगता है, तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ। गुरुद्रोही मतलब जो गुरु के प्रति द्रोह करे, अकृतज्ञ मतलब किया हुआ भलाई को जो भूल जाए। बोले कृष्ण तुमने बंसरी बजा करके हमें बुलाया,
और हम घर छोड़ करके भागते भागते आए और तुम रासलीला हमारे साथ में किया और कितने हमें प्रेम दिया और ये अंधकार रात में तुम हमें अकेले छोड़कर कहां चले गए। लगता है तू गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है, क्या हुआ भलाई को तुम भूल गए, हमको बिलबिला करके तुमने छोड़कर भाग गए। तब कृष्ण उनको समझाए, बोले देखो गोपियां मेरे को तुम लोग ऐसे मत समझा करो, मैं ऐसे नहीं हूं। तो कृष्ण बोले देखो प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन और एक विरह। मिलन में क्या होता है, वो सामने सामने मिलन में सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, सर्वत्र स्फूर्ति मिलता है, सर्वत्र स्फूर्ति होता है। अगर मैं तुमको नहीं छोड़ता, तुम लोग मेरे विरह में जो भजन गाए कीर्तन गाए कीर्तन करते, तुम्हारी हृदय में मेरी प्रति जो प्रेम था ना, ये दुनिया को मैं दिखाना चाहता, इनके हृदय में मेरी प्रति जो भावना प्रेम इतने ऊंचाई प्रेम जो दुनिया को दिखाना चाह रहा था, तब भी मैंने तुमको छोड़कर गया है, मैं छोड़कर के नहीं गया। मैं जब प्रकट हुआ कहां से प्रकट हुआ, तुम्हारे बीच से प्रकट हुआ। बोले कहीं जाता तो बीच में प्रकट होता, नहीं मैं तुम्हारे बीच में था और मैं ये देख रहा था तुम लोग मेरी प्रेम में कितने दीवानी बनती हो, मेरी प्रेम में तुम्हारी अंदर में जो दिव्य दिव्य भावनाएं प्रकट हुई, ये दुनिया को मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हारी भाव को, इसलिए मेरे को ऐसे मत समझा करो। फिर गोपियां खुश हो गई, फिर कृष्ण उनको साथ महाराज किया है। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। कृष्ण अगर पंचम स्वर में गाए ना, ललिता सप्तम स्वर में गाती है, कृष्ण उसको बहावा देती है, हैं? इतने में जो भगवान रास लीला कर रहे थे, इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आ गए, बड़े सुंदर वाद्य बजा रहे हैं, प्रभु रास कर रहे हैं। इतने में श्री शंकर भी गोपी बन करके, श्री शंकर भी गोपी स्वर सिंह रूप में आते हैं, लेकिन वहां पर जोग माया की शरण में गए। जोग माया ने कहा देखो यहाँ पर केवल एक कृष्ण पुरुष है, यहाँ पर और कोई प्रवेश नहीं कर सकते पुरुष शरीर से। बोले क्या करे, बोले ये ब्रह्म कुंड में स्नान करो। शंकर जी स्नान किए तो बड़े सुंदर शंकर जी गोपी रूप धारण किए। बोले ये ईशान कुंड में बैठी करके यहीं से अब रास दर्शन करो। कृष्ण बोले आज रास में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है यहाँ पर कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया। अभी गोपियों ने ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखा एक कुंज में एक नई गोपी कहीं बैठी हुई। उन्हें पूछे भैया तेरे पति का नाम क्या, तेरी सास का नाम क्या, तेरे ननद का नाम क्या, कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुई। लेकिन वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप कृष्ण है। वो समझ गए भैया तो कोई आंसर नहीं दे रहे, समझ गए। फिर तो शंकर जी को वहां से निकाले। जब शंकर जी को निकाले मारने जा रहे थे, इतने में उन्होंने पौर्णमासी को पुकारे, इतने में कृष्ण भी आ गए। बोले भोले तुम क्या बात है। बोले प्रभु आप जो बंसी बजाई ना, ये बंसी ध्वनि कैलाश में गया, मेरे मन में भी इच्छा हुई मैं भी तेरे साथ में नृत्य करूं और तुम्हारी रास दर्शन करूं। बोले शंकर जी देखो ये रास लीला क्या चीज है। बोले शंकर जी आप तो ऊपर से गोपी रूप लिए हो, लेकिन आपके हृदय में ये भाव नहीं, ये गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं। जिस भाव के लिए उद्धव ब्रह्मा शंकर नारद जी किस भाव के लिए तरसते हैं, इसलिए शंकर जी आए हो गोपी रूप लेकर के। आज से वृंदावन में तुम श्री गोपीश्वर महादेव रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो व्यक्ति वृंदावन में आएगा, जब तक वो तुम्हारी दर्शन नहीं करे तब तक वृंदावन दर्शन करने का फल नहीं मिलेगा। क्यों, वहां की जो चौकीदारी का काम श्री शंकर जी करते हैं, इसलिए वृंदावन जाओ तो जरूर श्री गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने चाहिए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय। जय श्री लाल। प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे रासलीला की, और जो नाच सके नाच के, ठीक है। पुनराज बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गुरुदेवाज श्याम संग राधा दास। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो।
देखो वृंदावन में देखो गुरु देवा
यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा दास लगाए, यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा दास लगाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गम 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 जो बजे दादा के मुरली दम 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 जो बजे दादा के मुरली दम जग नाथे दम दम दादा नाथे लोग नमे देखो इंसाब में देखो करे दीवा Yeah.
किनारे दादा राम रंग है, राम रंग है, राम रंग है, राम रंग है, द्वारका में एक बहुत बड़ी भारी यज्ञ हो रही थी जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें स्वयं कृष्ण बलदेव कृष्ण की 16108 पटरानिया और जहां पर देवकी वसुदेव बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए हुए थे। बड़े धूमधाम से इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 हो रहा था। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो बीच में जब तक वो पूर्णाहुति नहीं हो जाए बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक यज्ञ को बीच में श्री नारद जी वहां पर पधारे, पधारते ही श्री वसुदेव महाराज कृष्ण खड़े हो गए। बोले भैया यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में श्री नारद जी के रूप में आ गए और जिस सिंहासन में कृष्ण बैठते हैं उसमें श्री नारद जी को बैठा लिया और सबके सब उनके चरणों को नीचे बैठ गए। नारद जी के चरण धोत किए, चरणामृत किए, उनके चरण धोग को संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए। हाँ देखो हरे कृष्ण। देखो अभी की जो कथा हम सुना रहे हैं ना, आप लोगों ने जो सात दिन का कथा सुनी है ये कथा से क्या लेकर के जाओगे? ये चीज जो हम सुना रहे हैं ये एकादश स्कंद की कथा है। यहाँ पर जब श्री नारद जी आ गए, यज्ञ का नाम क्या था? बोलो यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ, जहाँ पर स्वयं कांके बिहारी जी है, श्री बलदेव प्रभु, उनकी पटरानिया वसुदेव महाराज। लेकिन जब श्री नारद जी आ गए यज्ञ को बंद करवा दिया बीच में, बोले यज्ञ करने का जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले यज्ञ का जो फल है ये नारद जी। इसका मतलब है अगर जीवन में कोई साधु का दर्शन अगर हो गया समझो तुम्हारी यज्ञ का पूरा फल मिल गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। इसलिए जिस समय श्री हनुमान जी लंकापुरी में गए और श्री विभीषण को साथ में इनकी साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन, बोले राम के सबसे प्यारे भक्त है, तब विभीषण क्या कहता है? आज मोए भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोए अनुग्रह किनी तो मोए दरस अठे दिनी। विभीषण कहता है मैं कभी तो सोच भी नहीं सकता था कि राक्षसों को बीच में भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन होगा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, जहां पर श्री हनुमान जी के दर्शन हो गया लगता है मेरे को भगवान जल्दी जल्दी ठाकुर मिलने वाले और सारे दुख समाप्त होने वाले। इसलिए जब श्री नारद जी आ गए, अभी नारद जी के चरण में सबके सब बैठ गए भगवान स्वयं, तब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम
तेनाम खलवकुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। वसुदेव महाराज कहते हैं एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ, लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ किया बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते सबसे ज्यादा जो दुर्लभ है कहते भक्तों का दर्शन, संतो दर्शन है। इसलिए श्री ध्रुव जी को जब भगवान दर्शन दे दिए, ठाकुर का दर्शन हो गया, ठाकुर जी कहते ध्रुव जी पर मांगो, लेकिन ध्रुव जी ये नहीं बताए ठाकुर जी आपका संग हमें मिले। भगवान को कह रहे हैं प्रभु आपका भक्तों की संगत हो। ठाकुर जी पूछे जब मैं स्वयं तुमको दर्शन दे दिया फिर मेरे भक्त संग क्यों प्रार्थना कर रहे हो? बोले प्रभु जी आज जो आप मिले हैं ना ये आपकी भक्तों की कृपा से मिले। आप तो कभी आपकी कथा सुनाओगे नहीं, आपकी कथा तो आपको भक्त लोग सुनाएंगे। जब हम आपके भक्तों की संग करेंगे उनसे जब आपकी कथा सुनेंगे ये मन अपने आप तुम्हारे चरण में लगा रहेगा। इसलिए हमें भक्तों की संग दो, इसलिए भगवान की संग नहीं मांगे। क्यों? जैसे कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं, क्या ठाकुर हमसे बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? ठाकुर बोलते हैं भैया ये गलत मार्ग में क्यों जा रहे हो, सही मार्ग पर चल, ये अच्छा नहीं ये बुरा है। भगवान कभी हमसे बोलते हैं कभी कभी? कभी ठाकुर जी आपसे बात किए हैं? नहीं करते हैं। इसलिए जब ठाकुर जी की कृपा हो तब भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का दर्शन होता है। जब मेरे भक्तों का दर्शन मिल जाए समझना ये मेरी कृपा, पूर्ण रूप में मेरी कृपा। क्यों? तुम्हें जो सदमार्ग दिखाएगा मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे भक्त दिखाएगा। इसलिए भागवत में जितने आप जितने संतों का चरित्र पढ़ लो, पहले किसकी संग होगी? भक्त का संग। विभीषण प्रभु को पाने से पहले हनुमान जी की संग होगी, तब उनको श्री ठाकुर जी, तब भी ठाकुर जी उनको मिले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवत दर्शन से भी संतो दर्शन उससे ज्यादा दुर्लभ है। तब श्री वसुदेव महाराज प्रश्न करते हैं आप कृपा करके हमें बताइए आत्मा को शांति कैसे मिले। जगत में हम जो कुछ करते हैं इसका मूल है शांति। दुकान बनाओ, मकान बनाओ, घर बनाओ, शादी करो, इसका मूल उद्देश्य क्या? बोले शांति। भले ही हमारे पास में अरब खरब संपत्ति लेकिन घर में शांति नहीं, वो पैसा की कोई महत्व नहीं। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये सबसे बड़ी चीज शांति है। हाँ, जगत में अनमोल वस्तु शांति। अगर शांति नहीं तो भले ही सब कुछ तुम्हारे पास में, सब बेकार है। इसलिए इनकी प्रश्न है ये आत्मा को शांति मिलेगी कैसे? देखो इसका उत्तर दे रहे हैं। बोले भैया फिर ये अशांति क्यों आए? फिर संसार में दुख कष्ट फिर हम क्यों भोग कर रहे हैं? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी फिर दुख क्यों आ गया? तब यहाँ पर नारद जी कहते हैं ये दुख का केवल एक ही कारण है, हम सबके सब अमृत सपुत्रा, हम भगवान के औलाद हैं, हम ठाकुर जी के संतान हैं। चूंकि हमने भगवान की भजन उनकी भक्ति हमने छोड़ दी। एक सुंदर कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, उसको एक बेटा था, वो बेटा ने कुछ गड़बड़ी की तो राजा ने उसको डांट लगा। डांट लगाए तो वो बेटा बड़ा दुखी होकर के पिताजी हमें क्यों डांट लगा, वो मान करके ना अपना राजमहल छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो जाएगा कहाँ? पहले राजमहल में रहते समय छापान भोग 36 व्यंजन खाता था, ठाड़ बाड़ में रहता था। एक ही बेटा है, अभी जा करके पेट कैसे पालेगा? अभी किसी चाय की दुकान पर प्लेट में बर्तन मल रहा है और झूठा बर्तन को साफ करता है और जगह को साफ सुथरा करता है। बड़ा दुखी है, किसी तरह से अपना पेट पाल रहा था। इतने में राजा बड़ा दुखी हो गया, एक बेटा और मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, शासन किया तो उसने घर छोड़कर चला गया, पता नहीं क्या करना है क्या रहा है। राजा बड़ा दुखी, बेटा भी बड़ा दुखी। बेटा सोच रहा है अगर मैं घर में वापस जाऊंगा पिता फिर क्या मेरे को स्वीकार करेंगे, क्यों उसने डांट लगाई, अभी घर में भी वापस नहीं आ पा रहा। राजा की दुख देख करके एक दिन मंत्री ने पूछा, बोले महाराज लगता है अंतर में आप बड़े दुखी हो। बोले तुमने सही बता रहे,
पर एक बेटा था, मैंने कुछ गड़बड़ किया, डांट लगाया तो उसने घर छोड़कर चला गया। अभी राजपाट में कौन संभालेगा, अभी तो बेटे भी बड़ा दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ बेटा मेरे पास में वापस आ जाए। मंत्री ने कहा कि राजा अभी मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटा कहाँ पर। मंत्री ढूंढते 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 देखा उसको, बेटा चाय की दुकान में काम कर रहा है और प्लेट धो रहा है और छूटे बर्तन को साफ और जगह को साफ कर रहा है। बोले हाय रे, कहाँ राजा की बेटा हो, मेरे देखो क्या कर रहा है। दिन में छापा ने छत्री से व्यंजन जो खाने वाले, राज महल में रहने वाले, कितने नौकर चाकर लगे हुए, देखो स्वयं यहाँ प्लेट धो रहा है। इतने में वो मंत्री जा करके उसका मित्र बन गया। मित्र बन करके एक साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उन्होंने बताया कि मैं मंत्री हूँ। जब उसको एकदम पूरा दोस्त बन गया, इतने में एक दिन पूछा, भैया तू कहाँ के रहने वाले हो, तेरे घर कहाँ पर, यहाँ पर ये काम क्यों कर रहे हो। वो मित्र बन गया ना। तो उसने कहा देखो मैं अमुक राजा के बेटा हूँ, एक दिन मैंने कुछ गड़बड़ किया तो पिता हमें शासन की और मैंने मान करके दुखी करके मैंने राज्य छोड़ करके आ गया और ये मेरी दुर्दशा है। इतने में बोले तुम घर में वापस क्यों नहीं जाते हो। बोले मैं सोचता हूँ अगर मैं घर में वापस जाऊं पिता क्या मेरे को स्वीकार करेंगे। खैर मंत्री बुला दे बेटा, उसी राजा का मैं मंत्री, तू जितने दुखी है ना तेरे पिता तेरे से कई गुण ज्यादा दुखी है क्योंकि तू अकेला ही पिता के बेटा है। एक दिन ये संपूर्ण देश का तू राजा बनने वाला, इसलिए राजा मेरे को तेरे को ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा। अगर घर में वापस जाओगे ना पिताजी बड़े आदर से तुमको स्वीकार करेगा और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा देगा, इसलिए मेरे को तुमने भेजा तेरे को ढूंढने के लिए। चलो घर में। बोले मैं चाहता हूँ घर में जाने के लिए। बोले ठीक है बेटा चलो मेरे साथ में। फिर उसने अब बेटे को लेकर के आए और राजा को साथ में उसने मिला दिया। तो उसी तरह यहाँ पर नारद जी समझा रहे हैं हम कौन है। वेद कहता है, गीता कहता है, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हम अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान। इसलिए हम कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, वही हमारी असली पिता माता है। फिर क्यों दुख भोग कर रहे हैं, फिर ये संसार में आए क्यों। पिताजी ने हमें शासन किया। पिताजी बोले देख बेटा तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम मेरे आदेश को पालन करोगे, अगर मेरी सेवा करोगे ना, ये अथाह ऐश्वर्य को वैकुंठ लोक को तुम भोग करोगे। लेकिन हमने भगवान के आदेश को पालन नहीं की। बोले हम तुम्हारी सेवा करना नहीं चाहते, हम तो माया में जाना चाहते। बोले माया में जाओगे, जा देख ले मजा, देख ले माया में जाकर मजा तो देख ले, देख ले संसार को। और हम ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्य जोनी में हम भटक रहे हैं, कभी गधे कभी कुत्ते कभी पेड़ कभी पौधे कभी सुखी कभी दुखी, ऐसे होते हुए संसार में हम भटक रहे हैं। प्रश्न है फिर हमारे कल्याण कैसे होगी। कभी ये मंत्री कौन है, बोले ये सदगुरु है। भगवान ये सदगुरु को जगत में भेजते हैं। बोले भैया जाओ ये सबके सब मेरे बच्चे हैं, ये मेरे को भूलने का वजह से संसार में दुख उठा रहे हैं, जाओ उनको जाकर के बताओ। पुनः अगर वो पिताजी की संपत्ति को तुम धो करना चाहते हो क्या करो, फिर तुम ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। ठाकुर जी की शरण में तुम चले जाओ, तेरे पिता साधारण नहीं दुनिया की मालिक है, अगर उनकी शरण में चले जाओगे ना फिर तो जीवन में तेरे को आनंद ही आनंद ही है। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं बोले भयम द्वितीय स्मृति, जब हम ठाकुर जी को भूल गए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी बुद्धि अभी विकृत तो हो गया है। हमारी बुद्धि हम कहती है मेरी माता ये मेरी पिता ये मेरी भैया ये मेरी पत्नी ये मेरे बच्चे, कहते भैया ये जगत में कोई किसी का नहीं है, ये एक धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में देखकर रुकना, धर्मशाला में रुकते हो एक जगह पर बैठकर गप्पे मारते, भैया तू कहां से आ गए, कलकत्ता, बोले तू, बोले बंबई, बोले तू मद्रास, रात को बैठ कर तो वो गप्पे मारते हैं लेकिन सवेरे होते ही अपना अपना घर में चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में जा रहे हो टिकट बना करके, आसपास में लोग होते हैं बात करते कहां से आए कहां से आए कहां से आए, लेकिन कब तक वहां पर हम गप्पे मारते जब तक तुम्हारी टिकट खत्म नहीं होता, टिकट खत्म होते ही वहीं पर उतर, वहीं तुम्हें उतरना पड़ेगा। ये एक धर्मशाला है, ये हमारी ये धर्मशाला में परिचित है, जिसका समय आएगा यहाँ से उसको
जाना ही पड़ेगा, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के सबके सब गए, एक दिन हम भी जाएंगे। लेकिन कब तक ये संसार में भटकते हुए रहेंगे? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, माम उपतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं तब तक इसी संसार में जीव ये भटकते रहते हैं। फिर क्या करनी चाहिए? कहते हमें श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रेम करनी चाहिए। कोई बोलेगा भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है, भगवान का भजन तो बड़ा कठिन चीज बोलने है। भगवान की भक्ति सबसे सरल होता है, इससे सरल कुछ नहीं। मेरे तरफ से देखो भक्ति क्या चीज है, मेरे तरफ से देखो, जैसे एक यहाँ पर एक चीज रखा हुआ है, जैसे हम यहाँ से उठाए और यहाँ पर रख दिए, यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं। आप समझ गए कि नहीं? दिमाग से तो इतनी सी चीज समझ जाओ, अगर इतनी सी चीज नहीं समझोगे ना फिर तो ये 84 लाख के जीवन में भटकते रहोगे। इतने से चीज समझ जाओ, जैसे यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ, यहाँ से उठाए और यहाँ पर रख दिया, यही भक्ति। बोले भैया इसका मतलब क्या है? बोले किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं, हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ना है, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। दुनिया दिया किसने? ठाकुर ने दिया, हमने कोई चीज नहीं लाई, दुनिया ठाकुर ने बनाया, दुनिया ठाकुर जी को है, इसलिए ये चीज को ठाकुरों के साथ में जोड़ो और छोड़ने का जरूरत नहीं। जिसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत करोसि जत स्नासि जत जोहसि ददासि जत जत तपस्सु कौत्रेय तत् पुरुषं मदर्पणं। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। जैसे पैसा कमाते हो, नौकरी करते हो, बोले भैया आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं? बोले ठाकुर जी की सेवा की भक्ति होगी। लेकिन अगर सोचे इसलिए पैसा कमा रहे हैं, बीवी बच्चों को पालने करने के लिए खुद खाने के लिए, बोले भैया जीरो हो गया, वो बेकार हो गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण दिए, राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुना। मैं पहले समझाया था ना, देखो ध्यान देकर देख, जैसे एक रखा, एक अगर सीधा आदमी की जीरो दिया कितना होगा बोलो, बोलो कौन बोलेगा? जैसे एक रख करके जीरो तो कितना होगा? दस। पहले था एक, लेकिन जब एक जीरो दे दिया एक झट दस में हो गया, और एक जीरो तो कितना होगा, कितना होगा? सौ। था पहले दस, लेकिन एक जो जीरो दिया झट दस दस गुण हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा? हजार। पहले कितना था? सौ। लेकिन जब एक जीरो दे रहे हो दस 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 गुण बढ़ रहा है, दस दस गुण बढ़ रहा है। अभी कह दो एक को हटा लो, अभी जीरो दो कितना होगा बोलो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, वो जीरो जीरो है। गोस्वामी जी समझा रहे हैं ये संसार जीरो है, ये संसार जीरो है। एक दिन दुनिया सबके सब गए, एक दिन हम भी जाएंगे, संसार जीरो है। लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है अगर ये जीरो को एक को साथ में जोड़ दोगे तो, नहीं तो ये जीरो जीरो, ये संसार जीरो है। लेकिन अगर प्रभु को साथ में अगर जोड़ दोगे वो जीरो नहीं पर वो जीरो हीरो बन जाएगा। बोले एक क्या है? बोले भगवान की भक्ति। गोस्वामी जी दूसरा उदाहरण देते हैं, आप लोग घर में खाना बनाते हो, कौन कौन खाना बनाते हो? सबके सब। देखो इसको मेरा उदाहरण देती है, एक सब्जी बनाओ, बढ़िया घी डाले, बढ़िया मसाला डाले, हर चीज बढ़िया बढ़िया तुमने दिया, लेकिन ऐसे एक चीज है, ऐसे एक चीज है थोड़ी सी सबसे कम पैसा का चीज, अगर उसमें सब्जी में नहीं डालो ना वो सब्जी खाया नहीं जाएगा, बताओ तो चीज क्या है? बाबा रे सब पंडित बैठे हैं, अच्छी बात है। हाँ इसलिए मीरा कहती है भजन बिना नर और की को है, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बच्चे, बढ़िया दुकान, तुम्हारी बढ़िया मकान, सब कुछ तुम्हारी बढ़िया बढ़िया, लेकिन मीरा कहती है अगर प्रभु की भक्ति नहीं करते हो ना वो सब तो सब जीरो है, वो सब के सब जीरो है, वो किसी काम की नहीं। इसलिए सब कुछ करो लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए करो, भक्ति को साथ में जोड़ लो। इसलिए पैसा कमा, बोले पैसा क्यों कमा रहे हो? पैसा लक्ष्मी है, ठाकुर जी की सेवा के लिए हम पैसा कमाते हैं। रसोई बनाओ रोज रोज बढ़िया बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर, यहाँ पर देख रहे हो ना कितना सुंदर सुंदर रोज प्रसाद बनता है। रोज खाना बनाओ, बोले क्यों खाना बनाते हो? बोले मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, पति खाएगा, ये जीरो है।
लेकिन जब सोचे नहीं ठाकुर जी की सेवा के लिए बना रहा हूं, भगवान की भोग लग हीरो हो गया, वो हीरो हो गया है, अपना बच्चे को प्यार दो प्रेम दो। बोले क्यों? बोले बच्चे बड़े बन करके प्रभु का भजन करेगा, बस हीरो हो गया। नहीं, बुढ़ापा में लठिया बनेगा, लठिया हमारी बनेगी नहीं, कि जब बड़ा हो गया हमारी भक्ति करेगा तो हमें मदद करेगा, नहीं तो लठिया सर पर डंडा पड़ेगा वो लठिया। इसलिए कहते हीरो घर को साफ करो। बोले क्यों साफ करते हो? बोले अपना बता, ये जीरो है, लेकिन घर को साफ करो। बोले क्यों? भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की ये मंदिर ही है, साफ करना बात जीरो। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं है, यही भक्ति कहते हैं। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं देखो सब कुछ भगवान की भक्ति के लिए ही किया करो। हाँ देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ध्यान देखने सुनो। बोले एक समय में कुछ एजुकेटेड कुछ स्टूडेंट बच्चे थे, वो नदी पार कर रहे थे, कोई सीए कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर था, वो नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी। जब बैठ करके नाव में पार कर रहे थे, अभी जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछा, बोले तेरे को सीए को बारे में मुझे पता? बोले सीए क्या होता है? बोले नहीं जानते? बोले नहीं। बोले ऐसे ही नाव चला करके जीवन पालना करते? बोले हाँ। तो नाव चला करके दो पैसा कमाता हूँ, पेट पालता हूँ। बोले तेरे तो 25% जीवन देखा। और थोड़ी दूर बाद गया जो इंजीनियर था, उसने पूछा भैया तेरे को इंजीनियर के बारे में तेरे कुछ पता है? बोले भैया इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? बोले नहीं जानते? बोले नहीं। बोले तेरे तो 50% जीवन देखा यूजलेस है। और थोड़ी दूर गया, उसमें जो डॉक्टरी कर रहा था, बोले डॉक्टरी के बारे में तेरे को पता क्या? बोले मेरे को कुछ पता नहीं, हम तो नाव चला कर पेट पालता हूँ। बोले तेरा तो 75 जीवन देखा। चलते चलते किया हुआ बीच दरिया में नदी में पहुंची तो नाव में छेद हो गया, छेद हो गया तो पानी घुसना शुरू हो गया। उसने कोशिश किया बंद करने के लिए, बंद नहीं हो रहा है, देखा तो नाव डूबने वाला। बोले भैया तुम लोग को तैरना आता है? बोले भैया तैरना क्या चीज होता है? बोले तैरना नहीं आता है। बोले मेरे तो 75% जीवन बेकार गया था, तुम्हारी अभी 100% जीवन अभी बेकार चली आई। उसको तो तैरना आता था ना, और जितने इंजीनियर डॉक्टर ना सबके सब डूब कर कोई मर गए, लेकिन इसको तैरना आता था, छलांग लगाया पार हो गया। देखो इसमें शिक्षा देते हैं संत, हम भी बहुत लिख पड़ गए, कोई सीए कोई डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन मरते समय ये सब कोई भी काम में आने वाले नहीं। आप देखना शरीर छोड़ते समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो। कोई बोलता है तेरा डॉक्टरी सच्चा ना, तेरे पीएचडी सच्चा ना, तुम्हारी सीए सच्चा, कोई बोलता है? अब सुने होंगे कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। कल चारयानी की कथा सुन रहे थे ना, किसको याद है चारयानी की कथा? किसको याद है? बोल सकते हो चारयानी की कथा? कौन बोलेगा हाथ उठा? चारयानियों की जो मैं कथा सुना रहा था किसको याद है? याद है, खड़े होकर बोलो जोर से बोलो। कोई माइक है? एक्स्ट्रा माइक है? माइक वाले, माइक वाला कोई माइक है तुम्हारे पास? वहां से माइक में, माइक में ठीक ठीक तो पहले सुनेगी नहीं इधर। हाँ देखो कल तो मैंने ये कथा सुनाई थी, लेकिन लगता है कुछ बहुत लोग नहीं थे, इसलिए हम दो बार इसको सुनाने जा रहा हूँ। सुना हरे कृष्ण। एक राजा थे, चार रानियां थी। सबसे बड़ी रानी को राजा बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसको जो भी सामान चाहिए वो सब लाके देता था और उसको खुश रखता था। और दूसरी रानी जो थी वो बहुत सुंदर थी, और उसको राजा पूरे नगर में ले लेके घूमता था और बहुत खुश होता था, उसको दिखा के कि मेरी रानी बहुत सुंदर है। और तीसरे नंबर की जो रानी थी वो बोलने में बहुत मीठा बोलती थी, इसलिए जब बात करने का मन करता था तो राजा उसके पास आते थे। और चौथी रानी जो थी उसको राजा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उससे बात भी नहीं करते थे और उससे बहुत नफरत करते थे। तो जब राजा एक बार बीमार हो गए तो उन्होंने पहली रानी को बुलाया और पूछा कि तुम मेरे साथ कहाँ तक चलोगी?
तो रानी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, यहीं तक बस। दूसरी रानी से पूछा कि तुम मेरे साथ कहाँ तक चलोगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो दरवाजे तक जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं चल सकती। बोली मैं देख रही हूँ तो तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। फिर तीसरी रानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो दरवाजे तक ही जा सकते हैं और उससे आगे नहीं। और चौथी रानी से पूछा तो चौथी रानी ने बोला कि मैं आपने मेरे साथ कुछ भी व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, मुझसे बात नहीं की कभी, मुझसे नफरत करते रहे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यहाँ भी हूँ और आगे भी चलूंगी, चौथी रानी ने बोला। तो पहली रानी जो है वो है हमारा शरीर, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको जो चाहिए वो हम सब कुछ देते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो शरीर ही सबसे पहले हमारा साक्ष होता है। दूसरे नंबर की रानी जो है वो हमारी सगी संबंधी है। पैसा है। दूसरे नंबर की रानी जो है वो पैसा है, जो सबसे सुंदरी राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो मेरी दूसरी पत्नी कितने सुंदरी, मतलब पैसा हो, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया दुकान वकान बनाएंगे, हैं, और जो सबसे सुंदरी, इसलिए कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी है, हैं। जब उसने दूसरे पत्नी से बोले पैसा से, जिसको इतने कष्ट से कमाया, बोले साथ में चलोगी, बोले मैं चलूंगी कि आप देख रहे हो तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या, देखना बच्चों का कहाँ पर नजर रहता है, पैसा के ऊपर, पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कौन बैंक में कितने पैसा, सबसे पहले उनको वो पैसा में नजर रहती है, शरीर छूटते ही वो झट दूसरों को नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए वो कहती है मैं तो देख रही हूँ तुम मरोगे और मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ, तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। अभी तीसरी रानी से पूछे, बोले तीसरी रानी कौन थी, राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था और मन की बात जिसको बोलता था। अभी उसने लोग कौन है, बोले परिवार वाले, सबसे पहले पत्नी की नंबर आई, पत्नी से पूछे तू साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकती, अगर ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन उसका आगे नहीं चल सकती हूँ। परिवार वाले से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, मेरे लिए बढ़िया रथ सजाएंगे अर्थी और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले तेरे को शमशान तक ले जाएंगे, बोले फिर, बोले वहीं पर सुला करके जला करके और टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे। देखो अभी ध्यान देकर सुना, जो चौथी पत्नी राजा जिसको सबसे ज्यादा धन्यवाद, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत किया, बेकार किसी काम की नहीं, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल लेके, लेकिन जब उससे पूछा साथ में चलोगी, केवल वही साथ में जाने के लिए तैयारी हुई, बोले महाराज तेरे को दिल से बहुत मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने कभी मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, कभी तुमने पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे लिए किया किया, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी बनूंगी। कहती ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम नेग्लेक्ट किया, लेकिन अंतिम समय में वही साथ जाएगा। बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम। अगर किसी व्यक्ति को बोले थोड़ा माला जप कर, बोले जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही बैठ करके माला जपते हरे कृष्ण बोलते। हमारे तो बहुत सारे काम है, टीवी देखना, न्यूज पढ़ना, बात करना, गप्पे मारना, हमारे बहुत सारे काम। बोले भैया अंतिम समय में कोई भी चीज हमारे साथ में जाने वाले नहीं, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। लेकिन हमारे मन में अभी का जो ये स्टार है ना, इनके मन में बहुत बड़ी इच्छा, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने के सब। बोले भैया जितने हीरो हीरोइन 10-20 साल पहले थे, श्रीदेवी का नाम सुने हो, अभी कहाँ गई श्रीदेवी, इसलिए बड़े से बड़े जो सिनेमा स्टार हुए हैं 10-20 साल पहले थे, उनका नाम दुनिया कोई ले रहा है, कोई उनको पूछता है, अभी मोदी मोदी सारा दुनिया, पता नहीं नेक्स्ट इलेक्शन में आएगा कि नहीं।
हाँ जोगी जोगी ममता ममता सबके सब अभी डर रहे हैं, रात को पता नहीं इनका नींद आती कि नहीं। ये टैबलेट खाने पर भी एयर कंडीशन रूम में इनकी नींद आती कि नहीं जाकर पूछ लो कि बता दे कि आती कि नहीं। लेकिन कहते भैया हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बन कर दिखाओ। हनुमान कब आए? त्रेता युग में। त्रेता युग कितना दिन हो गया? कितने लाख साल हो गए। ध्रुव महाराज प्रहलाद कब आए? हजार करोड़ साल पहले आए। लेकिन देखो इनका नाम दुनिया ले रहा है। मीरा कब आई? तुलसीदास जी कब आए? सूरदास कब आए? ये जगत में सब के सब अमर यही लोग केवल रहते हैं। अगर जो प्रभु का भक्त बन गए ना, सब तो जगत में इनका ही नाम केवल अमर रहता है, नहीं तो सब के सब मरकर भूत हो जाते हैं। दुनिया इनको किसी को भी नहीं पूछता है। इसलिए हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बन कर एक बार हीरो बन जाओ। दुनिया जब तक रहेगी, कहते जब ये विश्व प्रलय हो जाती है, दुनिया ध्वंस हो जाए, लेकिन इतना वेद पुराण है ना, ये नित्य है। फिर वो गोलोक वृंदावन चली जाती है। फिर जब दो बार सृष्टि होती है, फिर ठाकुर जी फिर ग्रंथ आता है। पर दूसरे प्रलय को बाद में फिर वही भगवत गीता रामायण आती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन ये मत समझो गीता अभी मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, मैंने दूसरे मन्वंतर में मैंने ये गीता की ज्ञान मैंने सूर्य को बता दी है। इसलिए अर्जुन ये नित्य है। इसलिए जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस दुनिया में धर्म हानि होती है, फिर मैंने ग्रंथ रूप में ये दुनिया में आता हूँ। इसलिए आप लोग बताओ कौन सा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करोगे? चारों में सबसे कौन सा रानी को प्रेम करोगे? बोलो जोर से, कोई बोल नहीं रहे हो। श्री चौथी रानी को, मतलब भगवान का नाम को, यही धनी असली हमारी धन है। इसलिए श्री यहाँ पर श्री नारद जी, नारद जी श्री वसुदेव महाराज जी को कह रहे हैं, बोले वसुदेव अगर वो प्रभु को पास में जाना चाहते हो, कल मैंने बताया था ना, जैसे अमेरिका जाना चाहते हो, लंदन फ्रांस जर्मनी कहीं जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए। बताओ तो तीन चीज क्या है? बोलो जोर से। पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट, है ना? कहते भैया ये पासपोर्ट क्या है? बोलो पासपोर्ट क्या है? बोलो ये पासपोर्ट क्या चाहिए? बोले गले में तुलसी की कंठी, ये जरूर होनी चाहिए। इसलिए भागवत में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं वो कभी नरक नहीं जाते, वो भगवत धाम को गमन करता है। क्यों? जो तुलसी कंठी ये कोई लकड़ी नहीं, मैंने आपको पहले सुनाया था, कल सुनाया था ना, ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं मेडिसिन हो तो ये तुलसी वृक्ष में, बोले 200 बीमारी का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए जैसे ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, उसमें तुलसी दल देते हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है। ये मत समझो ये भक्ति एक मन की भावना नहीं, अगर असली कोई साइंस या भक्ति है। अब न्यूटन का नाम सुने होंगे, ये पृथ्वी का सबसे बड़े जो साइंटिस्ट मानी जाती है, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट है उसको बहुत सारे थ्योरी में गलत बिता रहे। न्यूटन ये गलत बोला, आइंस्टाइन ये गलत बोला, इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है कभी कभी, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने एक बताया, दूसरे उसका सारी फिलोसफी काट दिए। बताओ हमारे रामायण बदला है? हमारी गीता बदली है? भागवत बदला है? वेद बदला है? अभी तक कोई एक अक्षर उसकी बदली है? अभी नहीं बदली। बोले क्यों? ऋषि मुनियों ने भगवान की जो वाणी, ये दिव्य वाणी है, इसलिए इसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए गले में तुलसी कंठी नहीं, ये पृथ्वी का सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो? वहां देखना किस कौन मंदिर में देखना, हम तो भारतीय, वहां पर देखना अमेरिका कोई लंदन कोई फ्रांस कोई जर्मनी, देखो उनको गले में कितने मोटे मोटे तुलसी कंठी, वो ऐसे नहीं पहन लेते हैं। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ये रिसर्च किया है इसमें सब, कैंसर अगर कहीं सही होती है तुलसी की दवा से, इसकी पत्ते से सही होती है, और कोई मेडिसिन में नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए गले में कंठी धारण करते हुए जो स्नान करते हैं, इसका पानी सारा शरीर में जाती है, शरीर से बहुत सारी बीमारी को निकाल देते हैं। अब लोग तो हिंदू है, ये तुलसी लक्ष्मी है, देखना नारायण को साथ में शादी होती है, गले में कंठी मतलब माँ लक्ष्मी आ गई। तुलसी में कृष्ण का निवास है, कल कृष्ण
लक्ष्मी नारायण आ गए। कल मैंने बताया था ना हम इसको कंठे में क्यों पहनते हैं, कल बताया था ना, इसको याद है हम गले में इसको क्यों पहनते हैं, कौन बोले हाथ उठा, हम इसको गले में क्यों पहनते हैं, हाँ इसलिए सबसे कोमल जगह कंठ है, इसलिए जैसे बच्चों को ताबीज पहनाते कहाँ पर, कंठे में पहनाते, इसलिए गला सबसे कोमल जगह है। अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करता है इधर से, किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला दबा दो खत्म हो जाएगा। अगर गले में तुलसी कंठी हो ना, इसमें सारे मेडिसिन लक्ष्मी नारायण का निवास है, एक तरह का कवच का काम करता है, ये आपको रक्षा करता है, इसलिए गले में इसको हम धारण करते हैं। ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाओ जब तक तुलसी दल नहीं देते हैं ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसी तरह गले में जब तक हम तुलसी कंठी नहीं धारण करते हैं ये शरीर ठाकुर का सेवा में नहीं लगता है। इसलिए जब महाराज कल बताए ना जो भक्ति नहीं करते हैं मेरे पास में ले आओ, बोले भैया पता कैसे चलेगा कोई भक्ति करता है कि नहीं करता, उन्होंने क्या बताया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते, देखना उसको कोई नहीं मारते, लेकिन पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं कहते फालतू है, इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, हमें क्या बननी चाहिए ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सबके सब गले में पालतू बनो। हम लोग तो भारत के हैं, कभी यहाँ पर एक रशिया की एक लड़की बैठी हुई इंदुवती, क्या नेशनल है, देखो ये विदेश से आई है, हाँ ये विदेश ये आई रशिया से, देखो ये रशिया से, इस गले में देखो मोटा मोटा तुलसी कंठी, देखो ये तिलक लगा है। हम लोग हिंदू है सीधा, हम लोग हिंदू है, अगर हमें कोई गीता, हमारी मूल ग्रंथ गीता है, हमें कोई पूछा जाए भैया गीता का कोई श्लोक बोलो, बोलो तो कौन बोल सकता है, लेकिन कौन हीरो का नाम क्या बताओ सब याद हो, और प्लेयर का नाम, जितने गंदी गंदी चीज है ना हम सबके सब याद करके रखें, लेकिन जिसमें हमारे कल्याण होने वाले वस्तु हम नहीं देखते हैं। देखो मैंने शायद पहले सुनाया था, देखो गीता क्या ग्रंथ है, ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय अमेरिका में जब गीता जयंती आती है, अमेरिका में कुछ भक्त लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बांट रहे थे, एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, वो 7-8 भक्त लाइन से खड़े हुए थे, वो जब प्लेन से उतरा बोले बोले गीता लो, देखा गीता पीता क्या है, और थोड़ी दूर गया और एक बोले गीता लो, बोले देखा, उसने देखा 5-6 से लाइन में खड़े हुए, बोले बोले भैया कितने व्यक्ति को हटाए, उसने देखा $4-5 देकर गीता ले लेता, उसने गीता ले लिया, देखा तो बेकार चीज है, उसने अपना ड्रम रख लिया। एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, सोचा आज मैं सुसाइड करूं, इतने डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि जब हमारे स्वामी महाराज जो इस्कॉन का स्थापन किया, जब अमेरिका में गए थे उनका पहला लेक्चर था, बोले मैंने सुना अमेरिका पृथ्वी का सबसे ज्यादा समृद्धशाली, सबसे ज्यादा पैसा, लेकिन जब न्यूज पेपर पढ़ते हैं देखते हैं सबसे ज्यादा कोई सुसाइड करके मरते हैं ये अमेरिका में। एक व्यक्ति कब सुसाइड करता है, जो संपूर्ण दुनिया से होपलेस हो जाता है, दुनिया में कोई प्रेम करने वाले नहीं, तभी जाकर के वो जाकर के आत्महत्या करता है। विदेश में यही चीज है, हमको लगता है ना विदेश से पता नहीं कितना कितना बढ़िया होगा, नहीं भैया आप वृंदावन में जाओ, हमारे गुरु जी के बड़े बड़े भक्त है, जब उनको वीजा खत्म होता है ना रोते ही, जब भगवान हमें नरक में क्यों जन्म दिया, हमें भारत में क्यों जन्म नहीं दिया, यहाँ पर प्रभु का देश है जहाँ राम राम कृष्ण कृष्ण नाम सुनते, वहां पर कहीं राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम नहीं, वो रोते हैं। इसलिए अभी वो इतने डिप्रेशन में, क्यों वहां 15-16 साल हो गए ना, बच्चे को कोई घर में नहीं रखते, जाओ अपना कमाओ खाओ, पति पत्नी होटल में खाएंगे तो उन्हें अलग पैसा देंगे, हैं उनके लिए जितने कर लो बल ख्याति बोलकर खत्म हो गया, सारे प्रेम खत्म हो गया। इसलिए उनका पहला लेक्चर था जे क्यों यहाँ पर इतने लोग सुसाइड करते हैं, सबके सब हिप्पी बन गए थे उस समय, अभी उन्होंने इतने डिप्रेशन में आया सोचा मैं अभी आत्महत्या करूंगा, अभी जिस ड्रा में वो बंदूक था उसमें था भगवत गीता, इतने में उसने ड्रा को खोला, खोल करके जब उसने बंदूक पकड़ने के लिए गया सुसाइड करेगा, उसका हाथ में बंदूक नहीं आया, उसका हाथ में आ गया भगवत गीता, वो गीता को निकाला, वो मरने तो जा रहा है पता नहीं क्या कौन सा कर, तो खोला, खोलते ही उसमें कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को कह रहे हैं, बोले हे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो,
भाषा से जिरनानी कथा दिया है। जैसे कपड़ा पुराना होने पर हम ये पुराने कपड़े को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है नित्य शाश्वत ये आत्मा है। जब ये शरीर पुरानी हो जाती है, ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू शांति सुख पाना चाहते हो, एक उदाहरण देकर समझाए, देखो मेरे तरफ में, जैसे कि पिंजरा है, उसके अंदर में एक तोता है। अगर आप तोते को मत खिलाओ, दिन भर पिंजरा को ही पेटी करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? बताओ, तोता जिंदा रहेगा? कृष्ण समझा रहे हैं, हम भी ये शरीर को लेकर तो ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं, उसको तो चबन त्रास खिलाते हैं, इसको तो श्रृंगार करते हैं, लेकिन जो असली जो आत्मा है ना हमारे अंदर में, जिसकी वजह से ये शरीर है, ये शरीर को हम जतन नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाया, अर्जुन अगर तुम परम शांति पाना चाहते हो, उसको अंदर में जो तोता बैठा हुआ है वो तोते को आदर करो, वो तोते को आहार खिलाओ, उसका आहार प्रभु की भक्ति। ये दुनिया की आहार के लिए तो रोटी सब्जी तुमने खिलाया, लेकिन वो तोते को तुम क्या खिला रहे हो? इसलिए हे अर्जुन, ये शरीर का प्रेम से तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। पहले बताया ना, यहाँ से प्रेम कहाँ से शुरू होता है? आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में फिर तो जाकर नंबर काटते हैं डाइवोर्स के लिए। इसलिए ये शरीर का सुख दो दिन का सुख है, ये दो दिन का सुख है, चमड़ा हाड़ी सर अंदर में क्या है, पेशाब टाटी खून पी का एक थली और कुछ है ही नहीं। ये शरीर से ज्यादा सुख नहीं मिल सकता है, ये आत्मा को सुख ढूंढो। वो मरने के लिए जा रहा था, जब उसने ये ग्रंथों को पढ़ा है ना, जैसे उसको एक नई ज्ञान मिला, वो सुइसाइड करेगा क्या? रात भर ये भगवत गीता को उसने पढ़ते रहा, रात भर उसको पढ़ते रहा, उसने सुइसाइड करना छोड़ दिया। देखा भैया गीता है यहाँ से, उसका एड्रेस को ढूंढा, देखा उसको फोन नंबर था, उसने फोन किया, उनका कोई इस्कॉन का कोई ब्रांच था, वहां पर गए और वहां पर देखा साधु लोग है, फिर उनसे प्रश्न किया, हमें संसार में शांति सुख क्यों नहीं मिलता है, हम तो बड़े डिप्रेशन। फिर उन्होंने समझाया कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, शरीर क्या, भगवान क्या, ये दुनिया क्या, हम आए कहां से। जब उन्होंने उसको अच्छे तरह से समझाया ना, उसने सब कुछ त्याग दिया, उसने त्याग देकर हम जैसे ये वस्त्र पहने ना, ये गौरी के वस्त्र को धारण किया, और उसने अभी उसने संन्यास, अभी वो संत है, अभी संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता को वो प्रचार करना है, संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता धर्म को प्रचार करे संपूर्ण पृथ्वी में। इसलिए गीता अनमोल ग्रंथ है, लेकिन हम उसको ना बेकार मानकर, अगर गीता हो ना उसको बांध के ऊपर रखा हुआ, लेकिन घर में जितने गंदी गंदी पुस्तक देखना, घर में उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइन का सब गंदी गंदी पुस्तक पड़ा हुआ। एक समय हमारे गुरु जी के पास में कोई आए, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी ने क्या बताया, हमारे बड़े गुरु जी, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, उसको यही दुर्दशा होगा। अगर तू रामायण पढ़ता, बच्चों को रामायण पढ़ता पढ़ाता, उसमें लिखा हुआ प्रात उठहि रघुनाथा मात पीत गुरु नमहि माता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? पिता माता की चरण वंदना करते थे, गुरु जी की चरण की पूजा करते थे। रामायण देखे हो? कौन कौन देखे हो टीवी में रामायण? देखना दशरथ महाराज को शयन करते ही भगवान राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, चरण की सेवा करती है, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे। लेकिन बच्चे को तो खुद पढ़ाई थे, बच्चों को पढ़ाए स्मार्टफोन पकड़ा दिया, 10-20 हजार रुपया का स्मार्टफोन तुमने पकड़वाया, जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, बर्बाद का चीज तो दे दिया, लेकिन तुमने बताया नहीं बेटा तो तुम्हारा रामायण गीता पढ़, इसका दंड कौन भोग करेगा? पिता माता तो भोग करेंगे ना, और कौन भोग करेगा? ये हमारे बड़े गुरु जी बात कहते हैं। इसलिए भैया अगर हम संसार में शांति सुख चाहते हैं, बच्चे हमें प्यार करें, बच्चे हमारी चरण छुए, पिता माता की आदर करें, अगर चाहते हो क्या करो, गीता रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की नाम जप करो, प्रभु की भक्ति करो। देखोगे जिस घर में प्रभु की भक्ति भजन है ना, वो घर नहीं वो भगवान की धाम बन जाते हैं, भगवान की धाम बन जाते हैं। इसलिए अब लोग क्या करना, घर में बच्चों को नियम बनाओ, जब तक बच्चा एक माला नहीं करेगा ये नियम बनाओ, तुमको खाना नहीं मिलेगा, स्कूल जाने से पहले एक माला तो जप करके जा। बोले बच्चा बात नहीं सुनेगा, भैया बच्चे को तू जोर जबरदस्ती कॉलेज में भेजते कि नहीं?
स्कूल भेजता कि नहीं कल जोर जबरदस्त भेजता कि ना, जब बच्चे को जोर जबरदस्ती जो पढ़ पढ़ करके नास्तिक बनता है और पिता माता को इतना दुख देता है, जब इसी के लिए तुम इतने कष्ट कर सकते हो, इतने पैसा तुम खर्चा कर सकते हो जिससे बच्चे का जीवन बदले, संस्कारी बने और पिता माता की सेवा करे, तो बच्चों को ये बात नहीं बता सकते है। बता सकते कि नहीं? हाँ, देखो पहला गुरु कौन है? पिता माता। पहला गुरु कौन है? सबसे पहला संस्कार पिता माता से पड़ता है। अगर पिता माता हरि नाम करे, भजन करे, तब तो बच्चे को बोलेगा बेटा तुम भी एक माला जप कर। अगर खुद अगर नहीं करेगा बच्चे कैसे करेगा तुम्हारे? वो मान ही नहीं सकता है। पहला गुरु तो पिता माता। इसलिए क्या करो, स्वयं भक्ति करो, भगवान का माला जप करो, फिर बच्चे को भी बोलो बेटा तुम भी एक माला जप कर। करोगे? कौन कौन करेगा बोलो? हाथ उठाओ जो कि हाथ नहीं उठा रहे, डर के मार के हाथ नहीं उठा रहे। इसलिए आप लोग आज जाते समय मैं एक एक माला दूंगा, जो हरि नाम करोगे ना आपके एक एक माला दूंगा, ठीक है? ये माला लेकर के जाना, स्वयं जप करो, बच्चों को भी अच्छे संस्कार बनाओ, बच्चे अच्छी संस्कार बने। पिता माता को तो सबसे पहले पिता माता को आदर करें, पिता माता की चरणों छुए ये पहले सबसे होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से सब कुछ होगा। हम जितने पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चे अगर हमारी सुधर गए ना, समझो सब कुछ सुधर गया। अगर हमने इतने पैसा कमाए अगर बच्चे ही नहीं सुधरा, सब जीरो है। सबके सब जो कमाया धमाए ना, वो सब के सब हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नवीन प्रभु है या नवीन? नवीन किधर है? जय जय श्री राधे। अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, इसके बाद सब प्रसाद बना और सब जाना और एक बैठ करके माला जप करेंगे, ठीक है? हाँ देखो, कल है हम लोग गिरिराज गोवर्धन कल जा रहे हैं, छोटी परिक्रमा करेंगे गिरिराज गोवर्धन की, छोटी परिक्रमा करेंगे। इधर आ जाओ। श्री नवीन प्रभु जी बोल रहे थे कितने भक्त लोग जाएंगे, कुछ भक्त लोग का नाम दिए नहीं जाने के लिए, लेकिन नवीन प्रभु बोल रहे थे अगर लास्ट में अगर नहीं आओगे हम बस कर लेंगे आपके लिए, अगर लास्ट में नहीं आओगे फिर तो बस कैंसिल हो जाएगी, फिर पैसा जता जाएगी। इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे आज जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे, आप जो पैसा आज डिपॉजिट 600 रुपया आने जाने का प्रसाद है, लेकिन इतने पैसा नहीं होता है, आपको पता होगा कितना दूर है। लेकिन इन्होंने कम से कम पैसा रखे जैसे भक्त लोग वहां जा सके। हमारी और मंदिर से एक बस जा रहे हैं जिसमें वो लोग 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने सोचे भक्त लोग आसानी से जाए, आसानी से आए, कम से कम पैसा में जाए, और इसलिए इन्होंने सबसे कम पैसा रखे। आज जो पैसा आप डिपॉजिट दोगे तब उनके लिए उन्होंने बस करेंगे, नहीं तो जो नहीं देंगे उनके लिए बस नहीं करेंगे। इसलिए सोच रहे थे दो बस करने के लिए, प्रभु जी बोल रहे थे आज जो पैसा डिपॉजिट दे देगा वो नाम होगा, तो उन्हीं के लिए हम बस करेंगे। और प्रभु जी बताएंगे, और हमारे श्री प्रभु जी देखो, प्रभु जी बहुत कष्ट करके ये जो भागवत कथा जो इन्होंने बहुत कष्ट करके आयोजन किया है, क्यों किया? इनके उद्देश्य एक उद्देश्य ही था, घूम कर कर, इसलिए इनके एक ही उद्देश्य था, मैं जिस रस को पान करता हूँ, मैं जिस भक्ति में डूबा हूँ, आप लोग भी उसका एक बूंद आप भी आस्वादन करो, आप भी देखो उसमें कितना रस है। इसी केवल इसी भाव से उन्होंने ये भागवत कथा को रखाया, इनके हृदय में कोई भावना नहीं, इन्होंने अपना हाथों से पैसा खर्चा करके और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था करा के, सोचे लोग आए कथा सुने प्रसाद पाए और खुश हो और भक्ति करे, इसी भाव से प्रभु जी ने ये भागवत कथा रखा है। इसलिए हम श्री नवीन प्रभु जी के लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी उनको खूब शांति सुख दे, खूब भक्ति दे। और ये भी आप देखे होंगे संडे को इन्होंने पालकी यात्रा भी निकालते हैं, अगर कोई बोले हमारे घर में ठाकुर जी आए, ये स्वयं हैं, ये स्वयं ये पालकी को लेकर जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, घर में कथा सुनाते हैं। इसलिए बहुत कष्ट करके कोशिश करते हैं ये भक्ति रस सबको पास में भी पहुंचे। अब आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी उनको खूब लौटाए थे और खूब ऐसे भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करें। ये दोनों पति पत्नी हैं, इनकी पत्नी जो सुप्रिया गौरप्रिया, इनके नाम मैंने रखा है, इसका नाम गौरप्रिया, इनका पत्नी का नाम
इसलिए ये दोनों पति पत्नी, देखो इनकी पत्नी को आप जानते हो ये फिजियोथेरेपी का डॉक्टर, लेकिन होते हुए अभी उन्होंने अभी ये भगवत तो भक्ति के लिए इन्होंने अभी डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, अभी प्रभु की भक्ति के प्रचार में ये लगे हैं। ये डॉक्टर होने पर भी लेकिन वो नहीं करके भगवान की भक्ति जगत में प्रचार हो, इसलिए ये भी डॉक्टर, ये भी हाँ ये भी दवा का ये भी काम करता है, लेकिन ये दोनों काम छोड़ करके प्रभु की भक्ति प्रचार हो जगत में, प्रभु की प्रेम में सब डूबे, इसलिए कष्ट करके करते हैं। देखो हमारे गुरु जी कहते थे एक चीज को समझो, भक्ति प्रचार करने से क्या लाभ, आप एक छोटी सी 2 मिनट की कथा सुना। एक समय एक पिता माता मेला देखने के लिए गए, मेला में बड़े टहल चले, अभी बच्चा पिताजी के अंगुल पकड़ करके बड़ा आनंद से मेला देख रहा है, उसको पिताजी दिखा रहे थे देखो ये नाटक है, थिएटर है, ये सिनेमा है, बच्चा बड़ा खुश होकर देख रहा था, लेकिन बड़ा टहल चल था, हठात किया हुआ पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गए, तो थोड़ी देर में देखे बेटा अलग और पिता अलग, दोनों ही अलग है, अभी बेटा तो पागल होकर के पिताजी को ढूंढ रहे, मेरे पिताजी कहाँ, पिताजी कहाँ, अभी जो मेला में वो इतना आनंद ले रहा था, अभी वो मेला उसको दुख दे रहा है, वो रो रहा है, इतने में किसने उसको हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, थोड़ी समय के लिए तो रोना बंद हो गया, फिर बोले भैया मेरे पापा जी कहाँ, पापा जी कहाँ, किसने लाग रहे कोई एक मिठाई दे दिया, थोड़ी समय के लिए खुश हो गया, बोले मेरे पापा जी कहाँ, पापा जी कहाँ। एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, सोचा जब तक इसको पिताजी को साथ में उसको नहीं मिला दे, भले ही उसको जो कुछ दे दे वो कुछ खुश नहीं होगा, इसलिए ढूंढो उसको पिताजी कहाँ। अभी ढूंढते देखा उसको पिताजी भी पागल होकर घूम रहा है, फिर बच्चा कहाँ, मेरे बच्चा कहाँ, किसी ने कहा भैया वहां पर देखा कि बच्चा रो रहा है, बोले कहाँ पर, बोले वहां पर, बोले ले चलो उसको ले करके आए, बोले ये तेरे बच्चा है, बोले हाँ, बोले ये तेरे पिताजी, बोले हाँ पिताजी। जब पिताजी को हाथ में बच्चे का हाथ पकड़ा दिया, बस बच्चा खुश हो गया, उसको और किसी चीज का भी जरूरत नहीं। हाँ देखो ये चीज को समझो, ये संसार एक मेला है, लेकिन ये बच्चा मेला का आनंद कब तक ले रहा था, जब तक वो अपना पिताजी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जब उसको पिताजी के हाथ से अलग हो गया, वही मेला वही सब कुछ, बच्चा रो रहा है, वो मेला उसको आनंद नहीं दे रहा है, उसको कोई टफी दे रहा था थोड़ी समय के लिए खुश, उसको कोई मिठाई दे रहा था थोड़ी समय के लिए खुश, फिर रोना। उसी तरह इस संसार में भी नौकरी नहीं, नौकरी मिल गया, शादी नहीं हुई, शादी हो गई, मकान नहीं, मकान दे दिया, लेकिन जितने भी वो बच्चे के ऊपर में सब कृपा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कृपा किसने किया, आप लोग बोलो, कोई मिठाई दे रहा था, कोई खिलौना दे रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके ऊपर में किसने कृपा की है, जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके ला दिया, जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके ला दिया, वो सबसे बड़ी कृपा की है। बोले हरे कृष्णा कृष्णा।